जय सिया राम दोस्तों तो देखिए आज हम बनाएंगे देव देव उठनी एकादशी के लिए तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिएगा गेरू तो देखिए मैंने थोड़ा सा गेरू यहाँ पर इस तरीके से घोल लिया है और देखिए एक व्हाइट कलर का आता है खड़िया तो आप वो भी ले सकते हैं या चूना वगैरह ले सकते हैं लेकिन मेरा फर्श सफेद ही है तो दिखेगा नहीं इसलिए तो मैंने सिर्फ गेरू लिया है और देखिए अब हम अपने देव बना लेंगे तो देखिए जहां भी आप बनाएं अगर आप नीचे बनाते हैं तो अच्छे से सफाई कर लीजिएगा वहां की या फिर आप ऐसा का ऐसा सेम टू सेम जो है ना दीवार पे भी बना सकते हैं दोनों तरीके ही हैं या तो आप जहां भी साफ जगह पूजा करनी हो चोक में बिल्कुल नीचे बना सकते धरती में या फिर आप दीवार पे बना सकते हैं और ये जो गेरू है ये बहुत ही आसानी से आपको जहां भी पूजा का सामान मिलता है ना पंसारी वगैरह की दुकान होती है प्रभाती पंसारी वगैरह उनके पास बहुत आसानी से मिल जाता है तो देखिए ये हमने जो है ना देव बनाने शुरू कर दिए हैं और देखिए मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है और जो कार्तिक के महीने में आती है देव उठनी एकादशी देव उठान भी बोलते हैं इसको और इसको देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है यह है जो है ना हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है इस दिन भगवान श्रीहरि चातुर्मास की लंबी निंद्रा के बाद जागते हैं इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है इस दिन से चार महीने के लंबे अंतराल के बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है इसी दिन व्रत करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आज के दिन जो है ना लसन प्याज का परहेज करना चाहिए और देखिए आज से पहले जो है ना चार महीने तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं आपने देखा होगा शादी ब्याह जो है नहीं होती है और आज के दिन ही जो है भगवान जी जब जागते हैं उसके बाद ही आज के दिन से ही है ना शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और सर्वप्रथम आज के दिन ही हमारी माता तुलसा और विष्णु भगवान के ही रूप सालीग्राम भगवान जी हैं उनका विवाह होता है तो आज के दिन सभी अपने घर के जो है देव उठाते हैं इस तरीके से पहले देवों को बनाया जाता है फिर उनका पूजन किया जाता है उन्हें उठाया जाता है और उसके बाद से ही आपके घर में जो है ना शादी ब्याह के मुहूर्त निकलने शुरू हो जाते हैं यानी कि आप शादी ब्याह जैसे शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं क्योंकि देखिए अगर हमने हमारे घर के देवों को ही नहीं उठाया है उन्हीं को नहीं जगाया है तो हमारे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य है ना जो संपन्न नहीं होते हैं तो सर्वप्रथम हमें जो है ना आज के दिन देव उठनी ग्यारह साले दिन देवों को उठाना पड़ता है यानी कि उन्हें जगाना होता है और उसके बाद हमें कोई भी शुभ कार्य करना होता है और आपको ये देव उठाते समय कौन कौन से गीत गाने हैं उसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है आप जरूर देखिएगा और इस देव बनाने के बाद इसकी पूजा कैसे करनी है कब करनी है डिटेल में वीडियो चैनल पर है आप जरूर देखिएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गीत वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और जैसा कि आज के दिन ही मा तुलसा का विवाह होता है तो आप विवाह कैसे कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से घर पर ही उसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है आप वो भी देख सकते हैं कार्तिक मास से रिलेटेड भी सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और ये देखिए इस तरीके से जो है ना हमने अच्छे से सुंदर से गेरू से हमारे जो है देव बना दिए हैं और ये देखिए बीच में इस तरीके से एक देव बनाए जाते हैं और ये देखिए ये नीचे ना छोटे छोटे से पैरों के चिन्ह बनाए जाते हैं तो जितने भी घर में लड़के होते हैं ना उनके हिसाब से ये चिन्ह बनाए जाते हैं और जितने भी आपके घर में हो उससे एक फालतू बनाइएगा यानी कि नन्हे के शाने के यानी कि अगली पीढ़ी के तो देखिए जैसे हमारे घर में मेरे ससुर जी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है और एक हम एक्स्ट्रा बनाते हैं याणे शाणे के नाम का और देखिए दोनों तरफ जो है ना तुलसा जी का पौधा लगाया जाता है इस तरीके से और ये बनाए जाते हैं गाय के खुर तो ऐसा कहते हैं पहले के जमाने में तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते थे गाय के खुर और घोड़े के पैर और बछड़े के पैर तो आप इस तरीके से न, थोड़े थोड़े से ये गाय के खुर और बछड़े के पैर बना सकते हैं उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा कमल का फूल बना सकते हैं मतलब अच्छे से सजाना होता है आपको साथ ही बना सकते हैं साथ ही मान सकते हैं और इसके बाद जितनी भी आपके घर की दहलीज होती है यानी कि दहली होती है उन पर भी आप ना दो दो पैरों के चिन्ह बना दीजिएगा विष्णु भगवान के नाम के और ये देखिए इसके बाद ना ये जो हमने रास्ता सा बनाया इसमें से इस तरीके से दो लाइन निकालते हैं और थोड़ा आगे तक इन लाइनों को ले जाते हैं और ये देखिए इसमें ऊपर की तरफ हम ये यहाँ पर ना चांद और सूरज बना देते हैं तो इस तरीके से हमें ये देव बनाने होते हैं देखिए थोड़ा बहुत उन्नीस बीस फर्क हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से लेकिन बेसिकली ना इसी तरीके से देव बनाए जाते हैं देव मांडे जाते हैं तो देखिए इस तरीके से आप बना लीजिएगा और देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपको बनाने कब हैं तो ये देखिए या तो आप इन्हें ना सुबेरे देवनी ग्यारह वाले दिन काम वाम निपटा के अच्छे से सफाई वगैरह करके उसके बाद बना लीजिएगा पूजा इसकी शाम को ही होती है या फिर आप पूजा से पहले यानी कि इसकी जो पूजा होती है ना वो होती है दोनों टाइम जब मिलते हैं गोधुली बेला के समय पे तो आप उससे थोड़ी देर पहले भी बना के रख सकते हैं तो या तो आप सुबह बना लीजिए या शाम को भी आप तुरंत ताजा बना सकते हैं यानी कि जैसे शाम के टाइम पे पाँच छः बजे बना लीजिए और उसके बाद आप पूजा के लिए थोड़ी देर इन्हें ना ढक के सुला दीजिएगा इसके अंदर कुछ सामान रखा जाता है मैं उसकी भी वीडियो चैनल पर डाल दूंगी आप देख लीजिएगा इसके अंदर हमें क्या क्या रखना है कैसे इन्हें हम जो है ना पहले ढक के सुलाते हैं और उसके बाद हमें जो है ना इनकी पूजा करनी होती है तो पूजा करेंगे गीत वगैरह गाएंगे और फिर अपने देवों को जगाएंगे उन सब की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी उन्हें भी आप जरूर से देख लीजिएगा कि किस तरह के से हमें देवों को उठाना है गीत गाने हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय सिया